उस पहलू शिकस्त बीवी को उसके बच्चों का वर्षा देने के लिए अभी भी तुम्हारे घरों को आबाद रखे। आले मोहम्मद तुम्हें किसी गम में न रहने दे सिवाय गमे हुसैन के। भाई मुकर्रम ने नौहे का और हुक्म दिया दो तीन बन सुनो बतौर बहन। नौहे का मतलब है रोना, बहन करना, फुलंद आवाज से गिरिया करना। बीबी तुम्हारी आवाजों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। रात के इस पहर में अपने घरों से दूर बैठे हो, एक शेर पढ़ लो फिर उसी मुसाफिर शाम मजलूम शाम सात साल मुसाफर के नौहे के रोजे पर तुम्हारे खिदमत में हाजिर करूंगा। कि सब चले जाते हैं शबीर को रोकर लेके, तुम भी अपने घर चले जाओगे, मैं भी अपने घर चले जाऊंगा। सब चले जाते हैं शबीर को रोकर लेकिन एक बच्ची नहीं जाती है आजाद खानों से, एक बच्ची नहीं जाती है आजाद खानों से। उसी बच्ची के पुरसे के दो चार मान सुनो, फिर उसके बाद वक्त थोड़ा है तो मिलकर मातम करेंगे। एक दो नौहे पढ़कर बीबी की बारगाह में, मखदूमा की बारगाह में आले मोहम्मद का पुरसा, शहजादी तुम्हें शाम की ज्यादा नसीब फरमाए। मखदूमा आलिया तुम्हें उस जिंदा ने शाम खराब है शाम मुसाफर है शाम बीबी की तुरबत की ज्यादा नसीब फरमाए। कि जिसे जब अपने बाप का सर मिला जिंदान में तो बाप के सर को मुखातिब होकर गोद में लेकर उस बीबी ने जो बहन किए दो तीन बहन सुनो औलाद वालों, मालिक तुम्हारी औलादों को सलामत रखे, तुम्हें किसी गम में न रहने दे सिवाय गमे सकीना के। बच्ची अपने बाप के सर से मुखातिब है। मुझे शिकस्ता होने का पुरस्कार इमाम ज़मान मौला हुसैन को दिया है। आओ एक साथ दो
Thank you.
اپنے بہنوں والے بھائی اور تمہاری نظر ہاتھ جوڑ کر ارے یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی Oh,
Yeah.
بھی راضی ہوتا مجھے، خوشامد